Hey! अरे बड़बड़िए। हाँ बॉस, क्या चक्कर है? आजकल पेशेंट्स बहुत कम हो गए हैं। जैसे दिन में 100 लोग यहाँ पर आते हैं, एक ही आदमी आता है बार बार रिपीट होने के लिए। ओके, ज्यादा बड़बड़ मत कर, बुलाओ उस चमजे को। ए चमजा, कल तो इसकी फर्स्ट नाइट थी ना? हाँ सर। तो फिर ये वापस? नमस्ते गुरुजी। हाँ बोल बेटा। गुरुजी नमस्ते। हाँ बोलना, बात क्या है? अरे मैं क्या बोलूं? अरे जो बोलना बोलना। अरे वही जो बोलना था वही बोला। नमस्ते गुरुजी। तू बैठ जा। फिर से इसे क्या हो गया? अरे कल तेरी फर्स्ट नाइट थी ना, जो चाहिए था वो देके भेजा था ना, फिर क्या बीमारी हो गई? कैसे मुहूर्त में पुड़िया दिया था, कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ, पूरी रात बैठ के उसे देखता रह गया मैं। ऐसा कैसे हो गया? रेडियो भी तैयार था, जॉकी भी रेडी था, फिर एफएम क्यों नहीं ऑन हुआ? एरियल काम नहीं करता ऐसा लगता है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अब क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन आज मुझे पूरा काम करना ही है। अच्छा ये बता, तूने उस पुड़िया को दूध में मिला के पिया था ना? दूध में ही मिला के पिया था। कौन से दूध में मिला के पिया था? अमूल हॉल में पिया, महानंदा हॉल में पिया, या फिर मदर डेयरी हॉल में पिया? कौन से हॉल में पिया? कैसा हॉल, क्या बोल रहे हो गुरुजी? क्यों क्या हुआ? मैं तो अपने घर के हॉल में सोफे में बैठकर पिया हूँ गुरुजी। बॉस आपने दूध में डालकर पीने को कहा तो ये अपने घर के हॉल में बैठकर पी गया, बेवकूफ। कितना बुद्धिमान है ना तू। अच्छा सुन, चल 500 निकाल। अरे 500 क्या, 1000 रुपए ले लो, पर आज मुझे अपना काम पूरा करना है, समझ लो। एक काम कर, इसके साथ दो गोली मिलाकर बहुत बारीक पीस कर पुड़िया बना के दे दे इसको जल्दी से। ओके बॉस। कुछ कम पड़े तो कुछ भी मिला देना। ठीक है दीजिए। अब दो मिनट इधर आके बैठ जाना, चुपचाप काम हो जाएगा ना। हाँ जैसे पीते बहुत कुछ कर लेगा। ओके, कौन है भाई ये ग्राहक? नमस्ते डॉक्टर। हाँ हाँ नमस्ते। क्या बीमारी है? पेशाब की समस्या है, संडास की समस्या है, गनेरिया है, बवासीर है, या फिर इसके जैसे नामर्द है? पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दो, पहले वो पुड़िया दो, मैं जाके अपना काम करके आता हूँ। अरे वो पीस रहा है ना, रुक जा दो मिनट चुपचाप। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, रहने के लिए जगह नहीं, ये काम मांगने आया है। इसका मतलब लॉजिंग बोर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड सब मुझे ही संभालना पड़ेगा क्या? हाँ डॉक्टर साहब। तो तुम अपने काम पर लगे रहो, मेरा पूरा कर्ज चुकाना होगा तुम्हें। ओके हाँ दे दूंगा ना डॉक्टर साहब। वेरी गुड, ठीक है चलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अरे ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपका ईगो हर्ट ना हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? बचपन से ही मैं बहुत बड़ा जल्दार हूँ, इसलिए ईगो वीगो कुछ नहीं रखता। बोल। आपके अंदर जो टैलेंट है उसके लिए सिर्फ एक दो पेशेंट्स काफी नहीं है डॉक्टर साहब। आप ऐसे कचर पट्टी में रहोगे तो कौन आएगा आपके पास? अगर आप हूँ बोलो तो ऐसे 100 लोगों को आपके दुकान के सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ। पहले वो पुड़िया दो, मुझे अपना काम करना है। बैठ जाओ वहाँ पर। हाँ तो तुम बोलो, बताओ क्या करना है? एक नया हॉस्पिटल ओपन कर देते हैं, टीवी और सोशल मीडिया में पब्लिसिटी कर देते हैं, तब देखना आप कैसे आगे बढ़ जाओगे। क्या क्या? आपका बिजनेस। गांव में तेरी कोई जमीन गिरवी रख के करेगा क्या? वो पैसे तो तुझे ही देने होंगे ना, पर कैसे आएंगे? डॉक्टर जी आपको देखने से आप मिनी साई गोल्ड पैलेस जैसे लग रहे हो। हाथ में अंगूठी, गले में चैन, इन सबको अगर आप गिरवी रख देते हो तो इमीडिएटली ओपन कर सकते हो डॉक्टर साहब। लगता है इन दोनों की बात आज खत्म नहीं होगी। अगर वो पुड़िया आप मुझे दे तो मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊँ। ठीक है चलेगा। तुम्हारा दिए हुए आइडिया तो बड़ा शानदार है, लेकिन उसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा भाई? देखभाल करने के लिए आपको कोई चाहिए ना? मतलब टोकन के लिए? मतलब तुम मेरे साथ ही काम करने की सोच रहे हो, ऐसा क्या? आइडिया अच्छा है, देखने में भी अच्छा लड़का लगता है, अच्छा आइडिया भी दिया है, इसलिए ये सब गिरवी रख के एक नया हॉस्पिटल ओपन कर देता हूँ। इसे पुड़िया दे दे, तुम उसे हॉल में मिक्स करके पी लेना। वेरी गुड शाबाश डॉक्टर साहब, कट कीजिए। अरे मेरा हॉस्पिटल ले तो क्या मैं ही कट करूँ? डॉक्टर साहब आपका हाथ बहुत ही लकी हैंड है, आप ही कट कीजिए। अच्छे से सबक सिखाऊंगी इनको, दिखाती हूँ। अरे आप क्या कर रही हो? अरे रुको, ये क्या कर रही हो? नहीं बात तो सुनो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आंखों से अंधे हो? अरे वो फॉरेन का सेंट था। अरे तोड़ क्यों रही हो सब? क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो, ये सब क्या है? डॉक्टर का सारा सामान ऐसे क्यों फेंक रही हो? ये मेरा घर है। अरे इस घर का एग्रीमेंट का पेपर हमारे पास है, चाहिए तो ये देखो। ऐसी बात है क्या? मैंने भी बनवाया है तुमसे पहले। वो क्या है? दिखाओ ना। यहाँ बॉस, इसे मैं पढ़ता हूँ।
पहले वाला क्लिनिक शॉप और अभी वाला डुप्लेक्स हाउस लीज पर भारती के नाम पर दिया गया है। बॉस अब पता चल गया ना, अग्रीमेंट मैंने पहले बनवाया था, अब तुरंत सारा सामान लो और जगह खाली करें। हम क्यों जगह खाली करें, हम भी तुम्हारे तरह अग्रीमेंट बनवा कर लाए हैं। खाली वाली नहीं करूंगा, चाहो तो तुमने फिर से कह रही हूँ। क्या कह रही है तुम? लोग मैडम उस कमीने ने फालतू का काम किया तो आप लोग दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? अब मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं कुछ नहीं मैडम, अब हम ऐसा करते हैं, इस क्लिनिक और घर को शेयर कर लेते हैं। आप जो जगह दो ही, हम लोग वहाँ रहने के लिए तैयार हैं। प्लीज मैडम। ओके मैं आती हूँ। बाप रे कैसा लगा डॉक्टर? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? वैसे भी मैं झोपड़ी में इलाज करके आराम से था ना, अब इतने बड़े मॉल में लाकर मुझे कहीं नौकर मत बना दे रहा यार, क्या ना बता। डॉक्टर साहब आप इसके बारे में फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी, तुम तो यहीं रहोगे, कहीं मुझे घर छोड़ के जाना पड़े ऐसा मत कर देना। ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो डॉक्टर साहब। कितनी लंबी लाइन है बॉस, शिवा के आते ही हमारी किस्मत का ताला खुल गया है। बॉस कुछ कहेंगे शिवा के बारे में? इसको अरे ये डायनेमिक है है ना, दम बिरयानी दूंगा ये कहूँ तो भी इतने लोग नहीं आएंगे भाई। शाबाश डॉक्टर साहब, दम बिरयानी दे दी गई है। ये क्या कह रहे हो यार? सच में डॉक्टर साहब, ओपनिंग के दिन से तीन तीनों तक बिरयानी फ्री है, ऐसा हर जगह पोस्टर चिपका दिया था मैंने, इसलिए इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए। अरे भगवान, मेरी कंसल्टिंग फीस 100 रुपए है और 120 वाली बिरयानी देकर तू इनसे मेरा क्या हाल करवाने वाला? अरे डॉक्टर साहब ये सब पब्लिसिटी की चाल है, ऐसा करने से आप फेमस हो जाओगे ना। ठीक है, वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है। शिवा देख यार, आंखों में बहुत खुजली हो रही है तो किसी मेडिकल स्टोर में जाकर एक अच्छी सी गोली लेकर आ जाना भाई। डॉक्टर आपके लिए गोली क्या? कुछ बातें बाद में बताने के लिए होती है, तब तक उसे सीख रखना पड़ता है। चल अब तू जा। ठीक है डॉक्टर, वेरी गुड। बहुत अच्छा लड़का है ये। ए बड़बड़िया पेशेंट बोला। पेशेंट करियप्पा। अरे बड़बड़िया बोला कहाँ हो? अरे यहाँ बैठो। कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं भाग तो नहीं गई वो? चली गई होगी बॉस, आज से यहाँ पर अपना ही राज है, एंजॉय। यही डॉक्टर है क्या? हाँ, बेटा ये तो स्वर्ग से उतरी रंभा दिख रही है। आहा, इससे तो इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, छूते ही बुखार उड़ जाएगा। हाँ? पब्लिक देखी है, डर गई क्या? अब कब भागोगी? देखेंगे देखेंगे, मैं छोड़कर जाऊंगी या तुम छोड़कर जाओगी ये तो टाइम ही बताएगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे धोखा दिया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। ऑपरेशन टावर में भी मैंने कभी इतनी रेंज नहीं देखी भाई। अरे ऐसा मत करो, इधर आओ ना। अरे बिरयानी दे रहा हूँ तब तो आ जाओ ना। सामने मलाई हो तो बिरयानी कौन खाएगा बे? चुप हो। ऐसा मत करो, बिरयानी के साथ साथ सूप का पाया भी ले लो, मैं रेडी करवा दूँ। अरे चुप कर रे, यहाँ लेक भी सामने है, तेरा सूप किसे चाहिए? नींबू लेकर कुछ काला जादू तो नहीं कर रही है ना ये? बॉस आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको वर्कआउट करने का एक आइडिया देता हूँ, आप थोड़ा सा कूल हो जाइए बॉस। अरे तू क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर झोपड़ा कपड़ा चेन अंगूठी गिरवी रख के इतना बड़ा सेटअप तैयार करवाया मैंने, अब जो भी आइडिया जल्दी दे यार, बोलना। ओके बॉस। बाकी कपड़ा शाम को ला कर देता हूँ। अंकल 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 आप यहाँ रहते हैं क्या? हाँ बेटा क्यों? कल जब आप गुंडों के साथ फाइट कर रहे थे ना अंकल, तब मैंने आपको देखा। अच्छा नीचे झुकिए। अंकल अंकल मुझे भी आपकी तरह डिशुम डिशुम करना, आप मुझे सिखाएंगे क्या? सिखाऊंगा ना, क्या नाम है तुम्हारा? शिवानंद। नंदी स्कूल छूटने के बाद सीधा घर आने की बजाय रास्ते में खड़े होकर अजनबी लोगों से बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो घर। क्या यार अभी तक नहीं आई? वो देखो बॉस सामने देखो। उस चुड़ैल से मुकाबले के लिए तूने एकदम सही लड़की चुनी है। हाय सर। हाय।
हाय 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 हाय, इतनी लेट क्यों आई रे? अरे सर, कस्टमर बहुत ज्यादा थे, मैं सबको छोड़ के आई हूँ। कस्टमर, कस्टमर क्या? ये सब बताना जरूरी है क्या? ये है डॉक्टर मेलबड़े केलगड़े। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मेलगड़े, आपने केलगड़े कहा? केलगड़े मेरे गांव का नाम है, मैं केलगड़े डॉक्टर। अच्छा ठीक है, अपना नाम बताओ। अलर्ट अंजलि। ओहो, अलर्ट रहती हो क्या? इसका मतलब है? हाँ सर, बेवकूफों का जमावड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, बेवकूफों का जमावड़ा? पेशेंट के बारे में बोल रही है बॉस। पेशेंट के बारे में? वो तो सही कहा, ये पेशेंट भी ना मरने से पहले नर्स का हाथ पकड़ कर मरते हैं। सर, वहाँ मैं सुबह से शाम तक रहूं या फिर फुल नाइट? अरे तुम्हें रात भर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह आकर दोपहर तक चली जाना तो भी चलेगा। ओहो, थैंक यू सर। मुझसे मिलने वाले सारे कस्टमर सुबह जल्दी आकर लेट से जाने के लिए कहते हैं, और एक आप है जल्दी जाने के लिए। ओके ओके, चलेगा चलेगा, कल से काम पर आ जाना है। अभी चलो सर, चलते हैं। अभी नहीं, कल से आओगी तो चलेगा। हाँ ठीक है, सेफ्टी का सामान है ना? सेफ्टी का सामान? मेरे साथ रहोगी तो हमें सेफ्टी मिलेगी। हाँ। तो फिक्र मत करना। ओके, चलती हूँ। कितनी फास्ट है यार ये। परमानेंटली फिक्स कर लेंगे इसे। जरा बटन तो खोलिए। अभी खोलता हूँ जी, अभी खोलता हूँ। नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पूरा खोल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बॉस वो आ गई। बॉस बड़बड़ी है, ये तो कितनी सुंदर लग रही है रे। इसके साथ अगर मेरा वर्कआउट हो गया ना तो मैं इसी से शादी कर लूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आज लेट क्यों होगी तुम? आज फर्स्ट डे है ना सर। अच्छा ठीक है, कोई बात मैं नहीं, मंदिर जाकर पूजा करके आई हूँ। ठीक है, अब जल्दी से काम शुरू कर दो। देखो कैसे वो हमारा बिजनेस छीन रही है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। सर यहाँ इतने सारे लोग हैं, मुझसे नहीं होगा। अरे तुम्हारे साथ में मैं हूँ ना। हाँ, कैसे करूँ? शूटिंग कर रहे हैं क्या? शूटिंग होने वाली है। बॉस, आपके मन की सारी बातें इसे डायरेक्ट बोल दीजिए, बोल दीजिए। बस इतना ही, इतना ही, इतना ही। देखिए कोई सांग लगा नहीं। पुलिस वाले भी आ गए क्या? देखो तुम्हारा पाव पत्ती कितना शुभ हो गया। आइए मालिक, आइए आइए, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? मल व्याधि रोग, मूत्र व्याधि रोग, गुदा द्वार का कोई प्रॉब्लम बताइए ना। तुम ही हो हमारा प्रॉब्लम। मैं हूँ प्रॉब्लम? हाँ, पर क्या प्रॉब्लम है? तुम इस औरत के साथ मिलकर धंधा चला रहे हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। हेलो, पहुँचने वाला हूँ। अरे आ रहा हूँ ना। क्या मालिक, मैं इसके साथ धंधा चला रहा हूँ? अरे ये तो मेरी देवी है, मेरी स्टाफ है, इन सब पेशेंट्स को हमारी तरफ खींच कर लाने वाली अवतारी नारी ऐसा है ये। क्या मुझे पता है, पुलिस स्टेशन चल, तुझे सब पता चल जाएगा। ए, मैं नहीं चल। ए, नहीं, नहीं, छोड़ो। ए, क्या नहीं जा रहे हो? अरे इसे तो पुलिस ही अच्छा सबक सिखाएगी। अरे 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 बापा पापा 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 मामा 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 मा, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। डॉक्टर साहब जूस ले लीजिए। जी, वो अपना बड़बड़िया जो है ना, वो पुलिस से बहुत ही डरता है, इसलिए वो वहां से भाग गया है। तो ए, आना अंदर पे। ए, उसे बिल्कुल भी अंदर मत लेना, बाहर भेजो उसे, बाहर निकाल। बात तो सुनिए डॉक्टर साहब। अरे आओ। बॉस मुझे माफ कर दीजिए बॉस। इतना होने के बाद क्या माफ करूं तुझे? अरे ये क्या हो गया बॉस, आखिर ये सब कैसे हुआ बॉस? ए, जो करने का था वो सब करने के बाद क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछ रहा? मेरी बैंड बजने का कारण तू ये बे? बॉस मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया, एक आइडिया दिया जो वर्कआउट नहीं हुआ। मुझसे पंगा लोगे तो ऐसा ही हाल होगा। अरे किस जन्म की शत्रु है तू जो इस जन्म में मुझसे बदला ले रही है?
अपने आप को संभालिए डॉक्टर साहब, बहुत बुरी तरह से जलन हो रही है। इन सब के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? उसको ही कैच कर लेंगे। कैच? क्या कैच? ना नहीं नहीं, वो तुम करोगे क्या? अरे मैं नहीं डॉक्टर साहब, आप। मैं कैसे करूँगा? अरे मुझसे BMT की बस ही नहीं पड़ती है भाई, तो फिर बिना गियर वाली इस गाड़ी को मैं कैसे कैच करूंगा? डॉक्टर साहब आप अगर ऐसे रहोगे ना तो आपसे कोई लड़की नहीं पटेगी। अरे कैसे? आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना उसी ट्रेंड में रहना चाहिए आपको। आपको अपना पूरा गेटअप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कल देखना गेटअप। वाह, अरे क्या बात है। क्या बात है बॉस? ए शिवा जरा देख इधर, क्या लग रहे हैं बॉस साहब, कमाल। ये कैसा गेटअप है डॉक्टर साहब? तो मैंने तो कहा था ना, उसे पटाने के लिए मेरा गेटअप ट्रेंडी होना चाहिए, इसलिए मैं पुराने रॉकी बॉय के गेटअप में आया हूँ। कैसा लगा? अच्छा हुआ घर में कुत्ता नहीं है, अगर होता ना तो। हेलो, कहाँ है वो? वो ऊपर है। ऊपर क्या कर रही है? नीचे बोला, रोज देना उसे, उसके बाद। वो आ गई बॉस, वो आ गई। हेलो मिस, इधर क्या कर रही हो? थोड़ा टर्न करो ना। हाँ, तो कैसा लग रहा है मेरा ये गेटअप? पहनने वाला पहनता तो बहुत अच्छा लगता, अगर मेरा रॉकी बॉय पहनता तो सुपर लगता। इसीलिए तो इसे मैं पहन के आया। अच्छा सुनो, तो मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनली बात करनी है। क्या बात करनी है बको? अरे मैं बकने वाला नहीं हूँ, कैच करने वाला। अरे डॉक्टर जी, मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों की बॉडी देखी, इस तरह की किलर बॉडी मैंने आज तक नहीं देखी। आई एम गोइंग वेरी डीपली इन लव। पागल हो गए हो क्या, बकवास कर रहे हो? कूल बड़ी कूल, तेरा पापा कौन है मुझे नहीं पता, तेरी मम्मी से ही पूछना होगा ना, उसे भी मालूम है कि नहीं है ये भी मुझे नहीं पता। वो क्या है ना, उन लोगों ने तुम्हें रिचली पाला है, लेकिन मैं तुम्हें उनसे भी बढ़कर, उनसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, ये मैं डिसाइड करके आ चुका हूँ। सुन ली, आई विल मैरी यू। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारे इनकार करने के बाद भी मैं तुम्हें बॉल दे कर रहूंगा, और उसके बाद तेरी माँ का पति मेरा ससुर बनेगा। ए, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहे देती हूँ। वेट वेट वेट, मैं तुम दोनों का जीजा हूँ ना। ए बड़बड़िए, तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ओके बॉस। ठीक है ना? ए कॉमेडियन, ये क्या बदतमीजी है, मारू क्या? अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, छोटे बच्चे आजू बाजू में खड़े ना, उनके जाने के बाद मारना। छी, मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनली बात करनी है ना, तो थोड़ी आगे आ जाओ। मैं क्यों आऊंगी भला? क्यों, क्या हुआ, डर गई ना? इस रॉकी बॉय के प्यार में तुम पड़ जाओगी, इसी बात का तुम्हें डर है ना? ए, मैं तेरी तरह बेशरम लड़की नहीं हूँ। क्या है, क्या है, बता, बोल बोल। सॉरी शिवा।